कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है 31 ओम, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने का मतलब हो गया कि XL, XL है 31 ओम, रेजिस्टेंस है 8 ओम, और इट इज़ प्लेस्ड इन सीरीज विद अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहने का मतलब हो गया XC जो है 25 ओम, है ना, ये दिया हुआ है। नाउ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज है 110 वोल्ट। तो तुमसे पूछा गया पावर फैक्टर। देखो, पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला याद करो कि एवरेज पावर जब हम लोग लिखते थे, एवरेज पावर लिखते थे, तो एवरेज पावर इक्वल टू हम लोग लिखते थे ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जिसमें ये जो कॉस फाई तुम देख रहे हो यही तुम्हारा पावर फैक्टर कहलाता था। तो पावर फैक्टर यहाँ पर कौन है, तो कॉस फाई है। तो कॉस फाई अगर पावर फैक्टर है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आर अपॉन जेड। तो आर अपॉन जेड में आर हो गया रेजिस्टेंस। अभी जेड कैसे निकालेंगे, तो जेड निकालने के लिए हम लोग करेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा इम्पेडेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा तुम्हारा 6636 प्लस 6400 और उसका रूट हो जाएगा 10। सो कॉस फाइ इक्वल्स टू 8/10, दैट इज इक्वल टू 0.8। 0.8 यहाँ पे पावर फैक्टर होगा।